नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नई वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है ओप्पो का A57 और A55। ये दोनों भी हैंडसेट जो ये सेम चिपसेट के साथ में आ जाते हैं। यहाँ पे बैक साइड में अगर देखेंगे तो A55 के अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप दिया है और A57 के अंदर आपको डुअल रेयर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप। बैक स्ट्रक्चर जो ये A55 के अंदर आपको ग्लोसी फिनिश के साथ में दिया है और A57 के अंदर आपको मैट फिनिश के साथ में, जो कि लुकिंग वाइज अगर देखेंगे तो A57 काफ़ी अच्छा दिखता है, स्टाइलिश लुक आ जाता है और बॉक्सी डिज़ाइन आ जाती है इसके अंदर में। हैंडसेट के इस साइड में अगर देखेंगे तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर की दी है, अपोजिट साइड में वैल्यूम अप एंड डाउन की और उसके ऊपर सिम स्लॉट का ऑप्शन। नीचे के साइड में स्टीरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और 3.5 mm हेडफोन जैक। हैंडसेट के अंदर 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके अंदर आप एक्सपांडेबल भी कर सकते हैं 1 TB तक के। यहाँ पे वेट की अगर बात करेंगे तो A57 का जो वेट है 187 ग्राम का दिया है और 7.9 mm की थिकनेस, और A55 का आ जाता है 193 ग्राम और 8.4 mm की थिकनेस आ जाती है इसकी। यहाँ पर थोड़ा सा स्लिम आ जाता है A57। बैटरी जो है दोनों भी हैंडसेट के अंदर सेम आ जाती है 5000 mAh की, लेकिन चार्जर के अंदर डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। A57 का जो चार्जर है ये 33 वाट का सुपर ओक चार्जर दिया है इसमें और A55 के अंदर आपको 18 वाट का। यहाँ पे बैक कैमरा जो है 57 के अंदर 13+2 का दिया है और A55 के अंदर आपको 50+2+2 का। फ्रंट कैमरा जो ये A57 के अंदर आपको 8 MP का दिया है और 55 के अंदर 16 MP। यहाँ पे साउंड जो ये A57 के आपको डुअल स्पीकर दिए है ऊपर और नीचे, थोड़ा सा लाउड साउंड आ जाता है A55 से। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करेंगे तो A55 का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी फास्ट अनलॉक हो जाता है हैंडसेट इससे 57 के मुकाबले अगर देखते हैं तो। यहाँ पे कैमरे के अंदर जो है आपको दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 5x तक के डिजिटल जूम का ऑप्शन दिया है, जो कि जूमिंग जो है ये सेम हो जाता है दोनों भी हैंडसेट के अंदर में, और कैमरा के अंदर में भी लगभग सेम ऑप्शन आ जाते हैं। स्लो मोशन का जो ऑप्शन है ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको नहीं दिया है। पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स ऐसे ऑप्शन दिए हैं दोनों भी हैंडसेट के अंदर में। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फ़ोन है ये है A55 और सेकंड वाला जो है ये है A57। यहाँ पे इमेजेस क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो A57 के अंदर काफ़ी शार्प और काफ़ी डिटेल के साथ में इमेजेस देखने को मिल जाती है इसमें। जो शार्पनेस आप देख सकते हैं A57 के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी कलरफुल पिक्चर आ जाता है इसके अंदर में, लेकिन ये जो A55 है इसके अंदर जो ओरिजिनल कलर है वही आपको सेम इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे A57 काफ़ी अच्छा आ जाता है इमेजेस के अंदर में, जो कि काफ़ी कलरफुल इमेजेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जो A55 के अंदर इमेजेस है वो आपको जो ओरिजिनल इमेजेस है वही आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये जो है फ्रंट कैमरे की इमेजेस देख सकते हैं आप, फ्रंट कैमरा तो भी आपको इसके अंदर 8 MP का ही दिया है 57 के अंदर, लेकिन पिक्चर क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी दी है और काफ़ी शार्पनेस और डिटेल के साथ में इमेजेस देखने को मिल जाती है इसके अंदर में। यहाँ पे अगर इमेजेस क्वालिटी के हिसाब से हैंडसेट लेना चाहते हो तो A57 काफ़ी अच्छी चॉइस आ जाती है इसके अंदर में, काफ़ी शार्पनेस फोटो आ जाती है इसमें। और यहाँ पे कैमरे के अंदर जो आपको HDR मोड, ऑटो फेस डिटेक्शन का भी ऑप्शन दिया है। स्लो मोशन जो है दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको नहीं मिलता है और पोर्ट्रेट मोड दोनों भी हैंडसेट के अंदर आ जाता है फ्रंट और बैक कैमरे में। यहाँ पे वीडियो की अगर बात करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसे वीडियो स्टेबल नहीं आता है दोनों भी हैंडसेट के अंदर। डिस्प्ले जो है दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको IP स्क्रीन दी है, A57 के अंदर आपको 6.56 इंच का दिया है और A55 के अंदर 6.51। यहाँ पे A55 के अंदर आपको पंच होल स्क्रीन दी है और A57 के अंदर वाटर ड्रॉप। डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन इसके अंदर आपको HD+ में दिया है दोनों भी हैंडसेट के अंदर। एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 का आ जाता है और इसके अंदर जो PPI डेंसिटी है A57 के अंदर आपको 269 की दी है और A55 के अंदर 270 की। रिफ्रेश रेट जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 16Hz का दिया है, लेकिन टच क्वालिटी जो ये A57 की काफ़ी सॉफ्ट और फास्टली टच आ जाता है इसके अंदर में। यहाँ पे आउटडोर की अगर बात करेंगे तो ब्राइट डिस्प्ले तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन A57 जो है थोड़ा सा ब्राइट आ जाता है। इसके अंदर आपको 600 निट्स का ब्राइटनेस लेवल दिया है और 55 के अंदर 480 निट्स का। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस जो है ये A57 के अंदर आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाता है और काफ़ी अलग अलग कलर भी दिए इसके अंदर आपको मेन्यू के अंदर में। यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको जो चिपसेट मिल जाता है ये आ जाता है मीडियाटेक का हीलियो G35 का।
2.3 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ में आ जाता है। फैब्रिकेशन जो ये आपको 12 नैनोमीटर का दिया है और ग्राफिक्स हैंडसेट के अंदर आपको आ जाता है पावर वीआर GE8320 का। रैम टाइप जो है LPDDR4X का दिया है। 55 के अंदर एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ कलर ओएस 11.1 दिया है और A57 के अंदर एंड्रॉइड 12 और कलर ओएस 12.1। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर देखेंगे, यहाँ पे प्राइस रेंज की अगर बात करेंगे तो 55 की प्राइस आ जाते 4GB 64GB वाले वेरियंट के 15,000 रुपये और A57 आ जाता है 14,000 रुपये में। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से तो A57 काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसके अंदर में आपको 33 वाट का सुपर हुक चार्जर भी मिल जाता है और कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर आ जाती है और डिज़ाइन जो है ये काफ़ी अच्छा दिया है। कम प्राइस रेंज के अंदर आपको बॉक्सी डिज़ाइन आ जाता है इसके अंदर में और लुकिंग वाइज भी काफ़ी स्टाइलिश लुक दिया है इसके अंदर में। ऐसे मोबाइल कंपैरिजन के लिए और मोबाइल अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।